हेलो स्टूडेंट्स, इन यस्टरडेज क्लास वी डिस्कस चैप्टर फर्स्ट अडॉप्टेशंस इन प्लांट्स ऑफ क्लास फोर्थ एंड वी स्टडीड हाउ प्लांट्स अडॉप्ट एंड विच प्लांट्स ग्रो इन डिजर्ट्स, विच प्लांट्स ग्रो ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स, प्लांट्स इन प्लेन्स एंड प्लांट्स इन मार्शी एरियाज. एंड ऑल्सो वी discussed why these plants are such in shape and sizes. So we will today move forward and we'll study further in this lesson. So next topic is forest. The forests are thickly populated with different kinds of plants. Many varieties of trees, shrubs and herbs are found there. There are evergreen, deciduous and coniferous trees in forest. तो जंगल, जंगल क्या होते हैं? जंगल वो जगह होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में घने पेड़ पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के. काफ़ी प्रकार अलग अलग प्रजातियों के पेड़ हमें मिलते हैं. झाड़ियाँ, जो छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं वो हमें मिलते हैं. ये आपके एवरग्रीन, डेसिड्यूस या कनिफेरस ट्रीज भी होते हैं, जंगलों में पाए जाते हैं. ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स आर लार्ज एरियाज ऑफ लैंड कवर्ड विद ग्रासेज एंड वाइल्ड फ्लावर्स. द रूट्स ऑफ ग्रासेज एंड स्मॉल प्लांट्स मेक द रिच सॉइल रिच. ग्रासलैंड डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल, सो देयर आर नॉट मेनी टॉल ट्रीज और बुशेज. ऑल ग्रासलैंड्स आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. ग्रासलैंड जो आपके होते हैं वो बहुत बड़े जमीनी एरियाज होते हैं, जमीनी क्षेत्र होते हैं जो कि ग्रासेज और कुछ पेड़ पौधों वगैरह से ढके हुए रहते हैं, छोटे मोटे पेड़ पौधों से. जो घास की और छोटे पौधों की जो जड़ें होती हैं वो वहाँ की मिट्टी को मिनरल से भरपूर करती रहती हैं. ग्रासलैंड्स में ज़्यादा बारिश नहीं होती है, इसलिए वहाँ ज़्यादा ऊंचे पेड़ पौधे या झाड़ियाँ नहीं होती हैं. जितने भी ग्रासलैंड्स हैं वहाँ पे काफ़ी सारे जंगली जानवर वगैरह पाए जाते हैं. कोस्टल रीजन्स, प्लांट्स ग्रो इन वार्म कोस्टल रीजन्स, हैव टू अडॉप्ट टू स्ट्रॉन्ग विंड्स, सैंडी सॉइल्स, ब्राइट सनलाइट, वेरी हाई ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर इन द एयर एंड हैवी रेनफॉल. तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ जो पौधे उगते हैं उन पौधों को अपने आप को इस अनुकूल में ढालना होता है कि वो जो तेज़ हवाएं हों या रेतीली मिट्टी, बहुत ज़्यादा चमकदार धूप, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आर्द्रता वगैरह जो हवा में होती है और ज़्यादा मात्रा में बारिश वगैरह को बर्दाश्त कर सकें. कोकोनट, रबर एंड पेपर आर सम प्लांट्स दैट ग्रो इन दीज रीजन्स. तो जो तटीय क्षेत्रों में जो पौधे उगते हैं उनमें से आपके कोकोनट, रबर और पेपर कुछ एग्जांपल्स हैं. प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर, एक्वेटिक प्लांट्स, वो प्लांट्स जो कि पानी में या जल में उगते हैं और जिन्हें हम जलीय पौधे कहते हैं. प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट. दे ग्रो इन पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस. एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स. तो जो पौधे पानी में उगते हैं उन्हें हम जलीय पौधे कहते हैं. वो आपके तालाबों में, नदियों में, झीलों में या सागरों में भी उग सकते हैं. जलीय पौधे तीन प्रकार के होते हैं, तैरने वाले पौधे जो फिक्स रहते हैं वो पौधे, और जो पानी के नीचे उगते हैं वो पौधे. फ्लोटिंग प्लांट्स, ये जो फ्लोटिंग दीज प्लांट्स फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. दे आर स्मॉल, लाइट एंड स्पॉन्जी. सम प्लांट्स हैव एयर स्पेसेज इन देयर स्टेम्स एंड लीव्स. The air spaces allow the stems and leaves to stay afloat. Water, hyacinth and duckweed are examples of floating plants. तो जो तैरने वाले पौधे होते हैं ये पानी के सरफेस पे तैरते रहते हैं. ये बहुत छोटे होते हैं, हल्के होते हैं और स्पॉन्जी टाइप के होते हैं. कुछ पौधों में एयर, हवा के लिए जगह होती है उनके तनों में और पत्तियों में. जो उन हवा के लिए जगह होती है उसकी वजह से जो तने और पत्तियां होती हैं वो तैरते रहते हैं. इस तैरने वाले पौधों के एग्जांपल हैं आपके वाटर हायसिंथ और डकवीड. फिक्स्ड प्लांट, दीज प्लांट्स हैव रूट्स विच आर फिक्स्ड टू द सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी. दे हैव लॉन्ग हॉलो स्टेम्स टू रीच द सर्फेस ऑफ द वाटर. दे हैव ऑल्सो ब्रॉड
and wax coated leaves to prevent them from rotting. Lotus and water lily are example of fixed plants. तो ये जो फिक्स्ड प्लांट्स या होते हैं, तो ये आपके वो पौधे होते हैं जिनकी जड़ें पानी के नीचे मिट्टी पानी के नीचे मिट्टी में फिक्स रहती हैं, और इनमें लंबे और खोखले तने होते हैं जिसकी वजह से ये पौधे पानी की सतह तक आ जाते हैं। साथ ही साथ इनकी जो पत्तियां होती हैं इनमें वैक्स कोट किया जाता है, कोट किया हुआ होता है, जिसकी वजह से इनकी पत्तियां सड़ती नहीं हैं। लोटस और वाटर लिली आपके फिक्स्ड प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। अंडर वाटर प्लांट्स, दीज प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन वाटर, देयर लीव्स आर वेरी स्मॉल और रिबन लाइक टू ऑफर लिटिल रेजिस्टेंस टू वाटर करेंट्स, स्टोमेटा आर एब्सेंट इन देयर लीव्स। जो अंडर वाटर प्लांट्स या पानी के नीचे उगने वाले पौधे होते हैं ये पूरी तरह पानी में डूबे होते हैं, इनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं और रिबन के फीते की तरह होती हैं, जिससे कि जो पानी बहता रहता है उसको ये रोके नहीं, पानी को आसानी से ये गुजरने देती हैं अपने से, और इनकी पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है वो एब्सेंट होता है। दे आर फिक्स्ड टू द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स एंड हैव वेरी डेलिकेट शूट्स, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस, हाइड्रिला एंड टेप ग्रास आर एग्जाम्पल्स ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स। ये जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं ये आपके मिट्टी के साथ फिक्स होते हैं अपनी जड़ों के माध्यम से, ये अपनी बॉडी सरफेस या शारीरिक सतह के माध्यम से सांस लेते हैं। हाइड्रिला और टेप ग्रास अंडर वाटर प्लांट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। सम प्लांट्स इन सॉइल दैट इज पुअर इन मिनरल्स एंड ट्रैप इंसेक्ट्स एंड कंज्यूम देम आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो कुछ पौधे होते हैं जो मिट्टी में तो ग्रो करते हैं लेकिन उनमें मिनरल्स बहुत कम होते हैं और वो इंसेक्ट्स को कीड़ों मकोड़ों को पकड़ के उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं, खा जाते हैं। ऐसे पौधों को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, यानी कीटाहारी पौधे। वीनस फ्लाई ट्रैप, संड्यू प्लांट एंड पिचर प्लांट आर सम एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। द लीव्स ऑफ पिचर प्लांट्स आर इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो पिचर फिल्ड विथ नेक्टर, द पिचर हेड हैज अ लिड, द नेक्टर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स, व्हेन द इंसेक्ट सिट्स ऑन द लीव द लिड स्नैप शट ट्रैपिंग द इंसेक्ट, द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द फ्लूइड कंज्यूम द इंसेक्ट। वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, संड्यू प्लांट और पिचर प्लांट कुछ इंसेक्टिवोरस के कुछ एग्जांपल्स हैं। जो पिचर प्लांट होता है वो आपका एक पिचर या घड़े की शेप में रहता है और उसमें जूस भरा, नेक्टर भरा होता है, यानी फूलों का रस भरा होता है, और इसी पिचर में एक ढक्कन भी होता है। जो जूस होता है वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, जब इंसेक्ट उस की पत्तियों में बैठता है तो जो ढक्कन होता है वो बंद कर हो जाता है और उसी पिचर के अंदर जो इंसेक्ट होता है वो फंस जाता है। तो जो उस पिचर प्लांट में जो फ्लूइड होता है उसमें जो डाइजेस्टिव जूसेज यानी पचाने वाले जो जूस होते हैं वो उस इंसेक्ट्स को पचा लेते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स, सम प्लांट्स आर नॉन ग्रीन एज दे हैव नो क्लोरोफिल, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे लिव ऑन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर प्लांट्स, दे आर कॉल्ड पैरासाइटिक प्लांट्स। मशरूम एंड टोड स्टूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम नॉन ग्रीन प्लांट्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जो नॉन ग्रीन होते हैं, जिनका कलर हरा नहीं होता है क्योंकि उनमें कोई क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है। ये अपना खुद का खाना नहीं बना सकते हैं, ये दूसरों प्लांट्स के ऊपर अपने खाने के लिए निर्भर रहते हैं, इसीलिए इनको पैरासाइटिक प्लांट्स कहा जाता है। मशरूम और टोड स्टूल्स कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स के एग्जांपल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर लेसन वन, एडॉप्टेशन इन प्लांट्स। इन द नेक्स्ट क्लास वी शॉल फर्दर advanced to exercises. Thank you.